और सूत्रों के हवाले से हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संगठन में जमीनी स्तर पर बदलाव होगा, भाजपा के बदले जाएंगे मंडल अध्यक्ष। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पार्टी प्रदेश कार्यालय दीपकमल में चल रही है इंटरनल बैठक, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना से प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद। 74 मंडलों के अध्यक्ष तय करेगा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व। जिला समितियों में 22 और मंडल समितियों में 15 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव ने सभी जिलाध्यक्षों को इसको लेकर पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है। 74 मंडलों के अध्यक्ष तय करेगा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व। तो सूत्रों के हवाले से हिमाचल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संगठन में जमीनी स्तर पर इस समय काम करना शुरू कर दिया गया है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि देखिए चुनाव है, जरूरी है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जरूरी ये हो जाता है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर काम किया जा सके, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए इस समय हिमाचल प्रदेश की ये कोशिश है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी की ये कोशिश है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बाजी विधानसभा चुनावों की तरह ना हार जाए। तो ऐसे में जो कोशिश यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है वो क्या कुछ बयां कर रही है? बिल्कुल दीक्षिका, देखिए लोकसभा चुनाव है अगले साल, और उससे पहले संगठन को मजबूत करने की और उसमें नई ऊर्जा भरने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले आपने भी देखा कि प्रदेश के पदाधिकारी जो है वहां पर नई जिम्मेदारियां उनको दी गई, जिलों के अध्यक्ष बदले गए, और अब बारी मंडल अध्यक्षों की है, क्योंकि ये जमीनी स्तर के लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। मंडल की कार्यकारिणियां ये जमीनी स्तर पर काम करती हैं और जो पार्टी की नीतियां होती हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाती है। तो यही वजह है कि काफी सोच समझकर ऐसे ऊर्जावान नेताओं को आगे लाने की कोशिश इस मुहिम के जरिए होगी। तो आज जो जानकारी हमारे पास है, इंटरनल जो बैठक इस वक्त दीपकमल में हो रही है, पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पर मंडल अध्यक्षों को लेकर खासतौर पर चर्चा हो रही है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के 74 मंडल हैं और इनमें अध्यक्ष बनने हैं, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी भी बननी है। लेकिन अभी इसी बात को लेकर माथापच्ची है कि जो मंडल की कमान है वो किस नेता को सौंपी जाए, कौन ऐसा जुझारू वहां पर लीडर होगा पार्टी का जो पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएगा, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा। और अभी जो विधानसभा चुनाव में हार मिली है, वैसी हार आगे लोकसभा चुनाव में ना हो, हर जो विधानसभा है वहां से, हर जो मंडल है वहां से लीड मिले बीजेपी को, ऐसी कोशिश इस वक्त बीजेपी की है। तो ये बैठक चल रही है और संभवतः आज देर रात तक या कल तक इनके नाम तय हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये जारी भी किए जाएंगे, जो पार्टी से जुड़े सूत्र हमें बता रहे हैं। और उसमें खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं, भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी है, जो प्रभारी है प्रदेश के अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन हैं वो मौजूद हैं। लोकसभा जो प्रभारी अभी हाल ही में सदस्यवार प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किए हैं चारों संसदीय क्षेत्रों के लिए, वो भी इसमें मौजूद हैं। पूर्व में जो महामंत्री रहे हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो काफी गहन चर्चा के बाद मंडल अध्यक्षों के नाम तय किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक जो नई व्यवस्था इस बार बीजेपी कर रही है, जो जिलों की कार्यकारिणी होती है, मंडल की कार्यकारिणी होती है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर आज जो पार्टी के ही जो कार्यालय सचिव है प्रमोद ठाकुर शिमला में, उनकी तरफ से सभी जिलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जिला समितियां होगी उसमें महिलाएं 22 होनी चाहिए और जो मंडल समितियां हैं उसमें 15 महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश जिला और मंडल की कार्यकारिणी में होगी, ताकि लोकसभा चुनाव जो है वो अच्छे से लड़ा जा सके। जी बिल्कुल, अच्छे से यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा सके। शुक्रिया प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।